नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पत्रकार पर कातिलाना हमला, अब पत्रकार भी नहीं है सुरक्षित। जी हां, खबर बता दें आपको मझौलिया से, जहां मझौलिया प्रखंड के पत्रकारों ने अविलंब हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। पत्रकार को सेवई खाना महंगा पड़ गया। पत्रकार प्रदीप कुमार भारती मंगलवार को शाम में सरिसवा में ईद की सेवई खाकर अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच दौरान कब्रिस्तान के समीप बने पुल के पास अज्ञात आधा दर्जन लोग खड़े थे। उसी में से एक व्यक्ति ने पत्रकार को रोकने की कोशिश की। न रुकने पर उन्होंने चाकू से पत्रकार पर हमला कर दिया, जो उसके पेट वाले हिस्से में लग गया। नहीं, एक हमलावर ने ईंट से पत्रकार के सिर पर हमला कर दिया। पत्रकार प्रदीप कुमार भारती का कहना है, हमलावरों को दोबारा देखने पर पहचान सकते हैं। घायल पत्रकार का इलाज मझौलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। फिलहाल वे अपने घर पर हैं और इस बाबत उन्होंने मझौलिया थाना में एक लिखित आवेदन दिया। इस संदर्भ में प्रभारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह का कहना है, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और बहुत जल्द हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। और इधर इस घटना की मर्माहत मझौलिया के पत्रकारों की एक बैठक हुई, जिसमें घटना की तीव्र निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से पत्रकार प्रदीप भारती पर हमला करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। कल सेवई के दिन हम अपने मित्र के यहाँ सरिसवा सेवई खाने गए थे जी। उधर से आ रहे थे, तभी बनकट के समीप कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान के पास पुलिया के नीचे कुछ अज्ञात लोग घात लगाए पहले से बैठे थे। उन लोगों ने मुझे रोकना चाहा, मैंने नहीं रोक अपना बाइक रोका। तब तक उन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। कैसों कैसों मैंने भाग करके अपनी जान बचाई, घर पहुंचा और घर से PSC के लिए परिजनों ने लेके गया। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।